नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और प्रचार की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। जी हां, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में चुनावी सभा करेंगे, तो वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी का चुनावी दौरा करेंगे। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी गाजियाबाद और मेरठ में चुनावी बैठक करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 1 बजे भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय काशी केशरीपुर रोहिंग्या वाराणसी में नव मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। यही वजह है कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं करेंगे, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वही जो जनता है उनसे अपील करते हुए भी दिखाई देंगे कि वो उनके प्रत्याशियों के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश लखनऊ से, तो वही गाजियाबाद से भी लगातार हमारे, गाजीपुर से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, जिस तरीके से निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है, ऐसे में भाजपा द्वारा तमाम रैलियां की जा रही है, तमाम जगहों पर जनसभाएं की जा रही है, तो आज दिग्गजों का कार्यक्रम कहाँ कहाँ और किस तरीके से निर्धारित किया गया है? नगर निकाय चुनाव की जब से घोषणा हुई है और जब से अधिसूचना जारी हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सक्रियता से नजर आ रही है। और अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ संबोधन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आज की अगर बात की जाए शुक्रवार को, तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में वो पहुंचेंगे और 4 जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यानी निकाय चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है और अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में दौरा कर रहे हैं। आज अभी 11:40 पर नैमिषारण धाम में, यानी सीतापुर जिले के पास में मिश्रित है, वहां मिश्रित मेला मैदान में वो संबोधन करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। यानी निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो चुनाव किया है, वो 4 जिलों का चुनाव है, 4 जगह उनका दौरा होगा। सबसे पहले सीतापुर के पास में मिश्रित मेला मैदान नैमिषारण में वहां पर होगा, उसके बाद लखीमपुर में राजकीय इंटर कॉलेज में होगा, उसके बाद बलरामपुर में है कार्यक्रम, उसके बाद फिर उनका शाम को कार्यक्रम जो है वो गोरखपुर में होगा। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को वो अपने अपने संबोधन से वो लुभा लेते हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और आप देख रही हैं कि आज इस तरीके से 4 जनसभाओं का उनका लगा हुआ प्रोग्राम सुबह से ही जानकारी के लिए पवन भी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आज गाजीपुर में किन किन दिग्गजों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ठीक है, रितेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, जहां एक तरफ भाजपा लगातार रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही है, लेकिन अभी सपा की तरफ से कोई भी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात इसकी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रियता निभा रही है, तो अगर और अन्य पार्टियों की बात करें तो उन पार्टियों के अभी कोई भी शीर्ष नेता मैदान में उतरते नहीं दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं ये उनको भय का माहौल उनके अंदर जरूर बना हुआ है, आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता से वोट की मांग करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पाले में जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज नेता है, यानी स्टार प्रचारक के रूप में जो बड़े दिग्गज नेता है, वो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सभी जो मतदाता है उनके मतों पर काबिज होने के लिए पूरी तरीके से सक्रियता बनाए हुए हैं। बात करें समाजवादी पार्टी की,
कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, तो उनके जो भी प्रचारक हैं वो अभी क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से एक सक्रियता से पूरे प्रदेश में अपना उन्होंने एक सिक्का जमा रखा है और जगह जगह ठीक है अपनी ही गाथा गा रहे हैं और किस तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं तो आप देख ही रहे। ठीक है पवन, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि यूपी में कानून का राज कायम है और यूपी में जो जनता है वो सुरक्षित महसूस कर रही है, तो आपके हिसाब से क्या आपके क्षेत्र में कानून का राज कायम है, जिसका दावा अक्सर भाजपा की पार्टी द्वारा किया जाता है? क्या बोलेगा सर? जी पवन, कौन क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी नमस्कार, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को ठीक लगातार एंटी माफिया के तहत कार्रवाई की जा रही है, इससे लोगों में ये है कि कानून राज योगी आदित्यनाथ के सरकार में स्थापित है। ठीक है रितेश, जो तमाम पार्टियां हैं और जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अब चुनावी मैदान में खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि जो पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई को होगा, जिसके लिए प्रचार जो है वो 2 को थम जाएंगे, तो ऐसे में लखनऊ में किस तरीके से प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज आचार संहिता लगने के बाद से जो चुनाव प्रचार का दौर है वो कहीं ना कहीं थमा है। जो चुनाव प्रचार लाउड स्पीकर से हुआ करते थे वो आज जनसंपर्क से सीधा वो सीधे संपर्क कर रहे हैं, यानी दरवाजे पे, तो वो गतिविधियां जो पहले हुआ करती थी पहले के चुनावों में उन गतिविधियों पर अब फोकस नहीं है, क्योंकि अब जनता से ये क्षेत्रीय चुनाव है, सभासद का, पार्षद का, नगर पंचायत का, नगर पंचायत सदस्य का, तो ये जो क्षेत्रीय चुनाव है ये जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं वो एक मोहल्ले के, एक कस्बे के होते हैं, वो जाते हैं और जनता से सीधे संपर्क साधते हैं। तो कितनी भी पार्टियां हैं वो गुपचुप तरीके से घरों में पहुंच रही हैं, मतदाताओं के पास पहुंच रही हैं और अपनी बात को, अपने एजेंडे को, अपनी चीजों को उनके सामने रख रही हैं। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि 4 तारीख को 9 मंडलों में चुनाव होगा, अब उसमें मतदाता अपने मत का प्रयोग किसको करते हैं, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की हमेशा बदलाव चाहती है और वो देखती है कि उनके लिए विकास कौन कर रहा है। अब जो मतदान होता है वो विकास पर होता है, बच्चों की शिक्षा पर होती है, स्वास्थ्य पर होती है, जो परिवहन सेवाएं हैं कहाँ बेहतर है, तो इन सब चीजों को लेकर के अब मतदाता जागरूक हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता जो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं वो इन्हीं सब चीजों को लेकर करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता है, चुनाव आता है तो अचानक कई नाम बाहर आते हैं जिनको कोई जानता नहीं है। अब की बार प्रत्याशियों को जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया है, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आस पास पड़ोस के लोग भी नहीं जानते, तो उनको अपनी विश्वसनीयता को बनाने के लिए जनता के बीच में नाक रगड़ने पड़ सकते हैं, चप्पल घिसना पड़ सकता है, तब जाकर के कहीं वो जनता के बीच अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी विश्वसनीयता को बना पाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2 तारीख को चुनाव का जो प्रचार है वो माहौल बनेगा, उसके बाद से मतदान 4 तारीख को, उसके बाद 11 मई को है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बुलडोजर का भय, भूमाफियाओं को भय और कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की जो बात होती थी वो सक्रियता से निभाई जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ ये कह भी दिया है। ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी रितेश, लेकिन अब मैं पवन के पास चलती हूँ। पवन, निकाय चुनाव की तारीखें काफी नजदीक है, तो ऐसे में जो जनता है उनके प्रमुख मुद्दे क्या है, वो किस मुद्दे पर अपने आगामी प्रत्याशी को चुनेंगी? के बाद विकास में साफ सफाई, सड़क, नाली, बिजली और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक इस समय आवारा पशुओं को लेकर राजनीति चल रही है, तमाम सरकार के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि आवारा पशु सड़क के किसी हाल में न घूमे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। हर जगह जनपद गाजीपुर के जिले में हमारा आपको बता दें कि लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं नगर निकाय में ये भी एक आवारा पशुओं का भी मुद्दा है। ठीक है रितेश, लखनऊ की नगर निगम सबसे बड़े नगर निगम है, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब यूपी के लिए हॉट सीट भी बन चुकी है और आप लगातार जनता के बीच मौजूद रहते हैं और जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं, तो जनता का रुझान ज्यादा किस पार्टी की तरफ आपको दिख रहा है?
जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ है। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ नगर निगम की, तो लखनऊ नगर निगम में 110 वार्ड है और यहाँ पर 110 वार्ड के साथ में 88 नए गांव शामिल किए गए हैं लखनऊ नगर निगम सीमा में, जो कुर्सी रोड की तरफ भी विस्तार करते हैं और फैजाबाद रोड की तरफ भी विस्तार करते हैं। तो ऐसे कुल 88 गांव को भी यहां पर शामिल किया गया है। तो बहुत बड़ा ये नगर निगम है लखनऊ का, 110 वार्ड, 88 नए गांव शामिल और लाखों की संख्या में मतदाता यहां पर हैं। तो ये अनुमान लगा पाना ये मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को लड़ती है और अपने एजेंडों को रखती है, उसको देखकर ये लगता है कि मतदाताओं को कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आता रहा कि बाबा जी का जो बुलडोजर चल रहा है, और अभी उन्होंने सहारनपुर की एक रैली में साफ कह दिया था यूपी में सब चंगा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो भाषण होता है, जिस तरीके से वो अपने भाषण को देते हैं, तो जनता के दिमाग में वो हिट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो बस जाते हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता ये चीज सोचती है कि कौन सुरक्षित है और कहाँ सुरक्षित है। तो इसको लेकर के चुनाव होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा जब 4 तारीख को मतदान होगा। इसके बाद जब मतगणना होगी, मतगणना के बाद ही किस्मत का पिटारा खुलेगा, कौन नेता इसमें आता है, कौन सक्रिय होता है, इसकी जीत होती है। फिलहाल अभी समीकरण ऐसा है कि कांटे की टक्कर चल रही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, धन्यवाद पवन और रितेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो निकाय चुनाव यूपी में 2 चरणों में होना है, जिसको लेकर जो सभी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त चुनावी मैदान में अपने हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 4 मई को होना है, जिसके लिए प्रचार 2 मई को थम जाएगा, तो बहुत कम दिन बचा है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस और चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो या चाहे वो बसपा ही क्यों ना हो, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो अब ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ को समाजवादी पार्टी ने मरवाया है और गुड्डू मुस्लिम के अखिलेश के साथ संबंध भी है। चुनाव के बाद जब जांच होगी तो सबको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही अतीक और अशरफ को मरवाया है। वही नंद किशोर ने अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शाहजहांपुर में मेयर प्रत्याशी बीजेपी में शामिल है, उसी तरीके से अखिलेश को भी भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस तरह से कार्यालय के उद्घाटन में हजारों बहन भाइयों का जो जनसैलाब उमड़ा है और तमाम वर्ग और जाति के लोग आए हैं, और सारे जो लोग प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है मन में, टिकट ना होने पर तकलीफ होती है, खाना तक नहीं बनता है, सबको उम्मीद होती है, उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का करैक्टर है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के सभी हमारे प्रत्याशी जो टिकट मांगते थे, सभासद के प्रत्याशी सभी आए और एक ऐतिहासिक लौनी के इतिहास में अब तक का किसी कार्यालय का सबसे ऐतिहासिक इतनी भीड़ के साथ, जनसैलाब के साथ उद्घाटन हुआ है, इसके बल पे मैं कह सकता हूँ। और एक कार्य तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक शाही जुड़े हैं। विवेक, अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ को समाजवादी पार्टी ने मरवाया है। जी बिल्कुल, चुनाव का दौर चल रहा है, मुस्कान और बयानबाजी जो है दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ जो है गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बड़ा जो है वो बयान दिया है, ऐसा कह सकते हैं, आरोप लगाया उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पे कि इन्होंने ही जो है अतीक और अशरफ को मरवाया है ताकि कानून व्यवस्था बदहाल दिखाई जा सके, जिसके नाम पे वोट मांगा जा सके। खैर, निकाय चुनाव का पहला चरण चल रहा है, दूसरे चरण का चुनाव होना भी बाकी है। कई विधायक जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और कई प्रत्याशी जो है वो दल भी बदल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है इन दल बदलुओं की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षियों के खेमे में सेध लगा रही है, कई कांग्रेस कई सपा के प्रत्याशियों को अपने खेमे में जोड़ रही है और लोकसभा चुनाव को भी साथ किया, इसी में ये बयानबाजी सामने आई है और बड़ा ठीक है। लेकिन विवेक, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस पर इस तरीके के बयान देना आखिर कहां तक शोभनीय देता है एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को? देखिए, राजनीति में शोभनीय शब्द तो मेरे हिसाब से अब बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चलती है, चाहे सदन की बात कर ली जाए या सदन के बाहर चल जाए,
तो ये गरिमापूर्ण चीजें तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष दूसरों पे आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहेंगी। और चुनाव से रिलेटेड जो है जो कानून व्यवस्था का मुद्दा खुद सत्ता पक्ष ने उठाया है, मुख्यमंत्री हर जगह रैली करते हुए कह रहे हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है वो निशाना भी साफ से नजर आ रहा है कि पूर्वोत्तर सरकारों में किन किन जगहों पे जो है वो माफिया राज चलता था, अब इस सरकार में वो सारी व्यवस्थाएं जो है बंद हो चुकी है। तो कानून व्यवस्था से लेकर तमाम सारी चीजें हैं जिसका उल्लेख सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि आपने बताया जिक्र किया यूपी में सब चंगा, लेकिन अगर बीते ही 2-3 महीने की बात करें उमेश पाल हत्याकांड, अतीक अशरफ हत्याकांड, तो क्या इन सबको वाकई में देख के लगता है कि यूपी में सब कुछ चंगा है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है? देखिए जिस कानून व्यवस्था का हवाला ये सरकार देती है कि हम कानून व्यवस्था बेहतर किए हुए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति माफियाओं अपराधियों प्रवृत्ति के लोगों पे बनाए हुए हैं, उस प्रकार से अगर कुछ घटनाओं को देखा जाए तो सवाल तो खड़े होते हैं, प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं कि इतनी चुस्त व्यवस्थाओं के बाद भी जब मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो सवाल उठने लाजमी और सवाल उठ भी रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा जो है उन सवालों का जवाब जो है वो पूर्वोत्तर सरकार के द्वारा किए गए कामों के हिसाब से देता है, उस समय की जो चीजें हैं उसके हिसाब से देता है। और तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री इस चीज का उल्लेख भी कर चुके हैं कि किन किन जगहों पे पहले अव्यवस्थाएं थी, उनको कानून व्यवस्था द्वारा सुदृढ़ किया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो निकाय चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी दौर में सारी चीजें जो है बयानबाजी चलती रहे। ठीक है विवेक, जब भी अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सत्ता पक्ष से बात करने का प्रयास किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही कुछ बोला जाएगा या तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ऐसे में जो भाजपा के विधायक है वही अब विपक्षी पार्टियों पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, बात केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या विधायकों की नहीं है, जो विपक्ष है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही विपक्ष नहीं, देश भर का विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो बीसी की मांग पे लेके अड़ी हुई है, अगली कल दिल्ली की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मामला उठाया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय 45 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री आवास, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल उनके आवास के रिनोवेशन के लिए दिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो खर्च हुआ है उसका दौरा देने लगे। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप जो जारी है, अगर विपक्ष पुलवामा की बात करना चाहता है लेकिन बातें जो है इस समय सीधे कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने की ओर है, जहां विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है कि कानून व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री करते हैं, सरकार करती है, और इस कानून व्यवस्था में इस तरह की चीजें हुई हैं। वहीं सत्ता पक्ष लगातार जो है जिस तरीके से माफियाओं से कार्रवाई हुई है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर वो लगातार जो है। ठीक है विवेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने कहा है कि जो गुड्डू मुस्लिम है उससे अखिलेश यादव के संबंध है, सीधे तौर पर ये कहा है, तो इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है या फिर नहीं? देखिए समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस समय सत्ता पक्ष के आरोपों का खंडन करती रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो चाहे वो राष्ट्रीय अखिलेश यादव, लगातार जो है आरोपों का जवाब देते रहे। अब देखना होगा कि कोई बड़ा नेता कब तक इन आरोपों का सही प्रकार से खंडन करता है, क्या जवाब देता है। अभी किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया आना मेरे लिहाज से बाकी है, और देखा जाएगा कि अखिलेश यादव इस चीज को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से टैकल करते हैं, क्योंकि हम सबने देखा है कि किस प्रकार से अतीक अहमद जो है वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा भी रहा था, वो सांसद भी रहा था, उसके बाद अतीक अहमद के कुत्ते की फोटो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ दिखाई जाती है, लगातार वायरल भी हो रही है। तो समाजवादी पार्टी लगातार अतीक अहमद से रिश्ते को लेकर जो है वो चर्चा में है। वहीं जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी सहित जो अन्य विपक्ष है वो कानून व्यवस्था पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में वोट मांग रही है। बिल्कुल धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।